हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर टॉप नॉच ब्यूटी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रियंका। हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं हूं प्रियंका एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। गाइस, मैं हर हफ्ते एक वीडियो मेरे चैनल में पोस्ट करती हूं। अगर इस टाइप के वीडियोज मेरे चैनल में देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, नहीं तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन, मैं जब भी नए वीडियो पोस्ट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। आज का वीडियो का क्या टॉपिक है, दैट यू ऑलरेडी नो बाय how to clean your blackheads, whiteheads, dots, pimples, जो भी आप बोलते हो, from your nose, from your chin area and also from your whole face. वो भी easy and painless way में। Guys, इस video में मैं आपके साथ share करूंगी कैसे आप blackheads, whiteheads को permanently अपने face से remove कर सकते हो और कुछ तरीका जो blackheads, whiteheads का problem है इसे permanently छुटकारा पा सकते। Before I start the video, I want to see that प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अगर आपका स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ये पोर्शन टी जोन आपका ऑयली है, बाहर जाते पॉल्यूशन में आपका स्किन एक्सपोज होता है, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको अभी से लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। गाइज, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ चीजों को फॉलो करने से हम लोग बहुत चीज फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। जब बाहर से आप घर आते हो, फेस को नॉर्मल जो स्क्रबर मिलता है मार्केट में या फिर घर में भी बना सकते हो, उससे स्क्रब कर लीजिए। देन आप आइस क्यूब अपने फेस में रब कीजिए, इससे आपका फेस में अगर टैन है वो निकल जाएगा, डर्ट जो ऑयलीनेस वो भी रिमूव हो जाएगा, आपका पोर्स टाइट हो जाएगा आइस रब करने से। इस वीडियो में मैं आपके साथ टू डिफरेंट वे शेयर करने जा रही हूँ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए। इसमें से आप कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, मगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिए वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में, मासी, बुआ, मामी, चाची, एवरीवन, और एक दिल से हग दे दीजिए, बस इतना ही काफी रहेगा। लास्ट वीक मैंने और भी एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, शायद आपने देखा नहीं अभी तक, अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा है, लहंगा के ऊपर वो वीडियो है, उसमें आप देखोगे कि नॉन ब्राइडल ब्राइडल लहंगा रीजनेबल रेट में आपको मिलेगा। मुझे आप में से बहुत जन कॉमेंट सेक्शन में बताया, मैसेज किया कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है नए वीडियो का, तो इसके लिए जब सब्सक्राइब करोगे तो उसके साथ बेल बटन को प्रेस करना है आपको, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सो या अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, बम्स, जो भी बोलते हो आप नोज के ऊपर, चिन में जो होता है, उसको रिमूव करने का सबसे इजी एंड पेनलेस तरीका। मैंने लिया है ये हॉट वाटर और इसके साथ मुझे ये कॉटन पैड मैं ले रही हूँ। आप टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास जो छोटा वाला एंकी होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ये हॉट वाटर है, इसमें इसको डिप करना है, इसको अपने नोज के ऊपर सिंपली इसको ऐसे प्लेस कर देना है, और इससे क्या होता है हमारे नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो भी है उसको रिमूव करने में बहुत इजी होता है। ये स्टेप को फॉलो करने से आप जब ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव करोगे आपके नोज के ऊपर से, बहुत इजी होता है, बहुत पेनलेस होता है, तो ये स्टेप को जरूर फॉलो करना है आपको। तो इसको ऐसे ही करते जाना है 5 to 10 times, जब तक आपको लगे कि आपका जो नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है पहले से। पता नहीं कितना आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है मेरा। तो इसके बाद जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। ले रही हूँ सॉल्ट, तो बस मैं इतना सा ही सॉल्ट ले रही हूँ, इतना काफ़ी है मेरे नोज के लिए। और आपको ऐड करना है कोई भी टूथपेस्ट जिसमें मिंट हो। ये सॉल्ट एंड टूथपेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, अभी नोज के ऊपर बस इसको अप्लाई करना है। इसको ऐसे ही सिंपली अप्लाई कर देना है आपके नोज में और चिन एरिया में, जहां पे आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम। आई फील दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट प्रोसेस टू रिमूव योर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। तो 2 to 3 minutes मैंने वेट कर लिया है, तो अभी इसको स्क्रब करेंगे। तो ऐसे इसको स्क्रब कीजिए, टूथब्रश का भी यूज कर सकते हो, बट सॉफ्ट ब्रिसल वाला होता है वो टूथब्रश का यूज करना, नहीं तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो। तो मैं बहुत ही सॉफ्टली ये मसाज को कर रही हूँ, शायद आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी में बहुत हर्शली कर रही हूँ, नहीं, मैं बहुत सॉफ्टली ये मसाज को कर रही हूँ। इसको सिंपली वॉश कर सकते हो, बट मैं वीडियो कर रही हूँ इसीलिए मैं जाके वॉश नहीं कर सकती हूँ। इसको मैंने गीला कर लिया है, इसको जस्ट सिंपली
ऐसे पोंछ लीजिए. नाउ यू कैन सी गाइज इट्स कम्प्लीटली क्लीन. थोड़ा सा लाल लाल हो गया है बट दैट्स फाइन. यहाँ से भी बहुत हार्ड होता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकालना, बहुत पेनफुल होता है. तो यहाँ से भी निकल गया है बहुत अच्छे से. मैं आपको क्लोज से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. मेरा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सब कुछ रिमूव हो गया है. और इसके बाद जो स्टेप है दैट इज एक आइस लीजिए. आइस सिंपल आइस है ये. आइस क्यूब लेके इसको ऐसे रब करना है. इससे जो पोर्स आपका ओपन हो गया था वो क्लोज हो जाएगा. और बस इसको ऐसे पोंछ लीजिए एंड दैट्स इट. दैट वाज द फर्स्ट प्रोसेस. तो अभी सेकेंड प्रोसेस आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ. ये भी बहुत ईजी है और ये भी बहुत पेनलेस है. फॉलो करते हैं सेकेंड प्रोसेस को. आई मीन जो सेकेंड तरीका है वो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. तो इसके लिए फिर से मैं ले रही हूँ हॉट वाटर. फर्स्ट प्रोसेस में मैंने फॉलो किया था जो फर्स्ट जो स्टेप था, इसको डिप करके नोज के ऊपर प्लेस करना है. सो 2 से 3 मिनट तक इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए. उसके बाद इसको ऐसे निकाल लीजिए. देन आपको चाहिए ये नोज स्ट्रिप्स. इट्स टू गुड. इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको. मैंने इसको नायका से लिया था. ये हिप हॉप स्किन केयर ब्रांड से है. यहाँ पे मेंशन है दैट इट्स रिमूव योर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ऑयल एंड डार्ट. और ये है क्लिनजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप. बहुत इजी है. अगर आप बाहर जा रहे हो इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने साथ. स्ट्रिप को अभी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ और इसके लिए मेरे नोज को थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये ड्राई स्किन के ऊपर प्लेस नहीं होता है. इसको आप लगा नहीं पाओगे. तो इसके लिए आपके नोज को अच्छे से वेट कर लेना है. देख रहे हो कितने अच्छे से ये बैठ गया है. तो अभी वेट करना है आपको 10 मिनट. 10 मिनट्स हो चुका है. तो इसको अभी मैं रिमूव करने जा रही हूँ और आप देखोगे कितना अच्छे से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाता है. फिलहाल तो मैंने अभी एक स्टेप को फॉलो किया है. आई मीन दूसरा जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है पता नहीं कितना अभी बचा है. ऑलमोस्ट रिमूव हो गया था बट आपको दिखाना था इसीलिए मैं फिर से ये स्ट्रिप को अप्लाई किया है. इसको मैं अभी रिमूव कर रही हूँ 10 मिनट्स के बाद. I can see it here. जितना भी बचा था वो completely remove हो गया है guys. देखिए चारकोल मास्क के लिए तो यहाँ पे लग जाता है. तो इसके लिए कोई भी आप गीले कपड़े से इसको क्लीन कर लीजिए. इसके बाद आइस लगा सकते हो. जैसे मैंने फर्स्ट जो टेक्निक दिखा था आपको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, उसमें मैंने लास्ट स्टेप में आइस का यूज़ किया था. यहाँ पे अप्लाई किया था, रब किया था मैंने आइस को. तो वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो. नहीं तो एक वाटर आप बना सकते हो. आपका जो ओपन पोर्स है उसको टाइट करता है. और अगर आपका पोर्स टाइट रहेगा ओपन नहीं होगा तो आपको ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. मैं ये खाली बॉटल यूज करूंगी वाटर को स्टोर करने के लिए. तो वाटर अभी बना लेती हूँ. तो इसके लिए आपको फ्रेश वाटर चाहिए. तो नॉर्मल पीने का पानी होता है थोड़ा सा. इसमें 1/2 कप मैंने नॉर्मल वाटर लिया है और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश लेमन को मैंने 1/2 करके लिया है. तो बस थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ अप्रोक्स 1 टीस्पून. मैं इसमें ऐड करूंगी ये टी ट्री ऑयल और इसमें 5 to 6 ड्रॉप्स मैंने ऐड किया है. अभी क्या करना है इस वाटर को इसमें डाल दूंगी. तो इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के लिए जस्ट बॉटल को ऐसे शेक करना है आपको. और इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हो अप टू 7 डेज तक ये फ्रेश रहता है. तो अभी मैं ये वाटर को नॉर्मली स्प्रे करूंगी. बस इतना ही गाइस. सो गाइज मैंने आपको दिखा दिया है 2 डिफरेंट प्रोसेस कैसे आप अपने नोज के ऊपर से, चिन के ऊपर से, इवन अपने फेस से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो बम्स होता है अनवांटेड उसको रिमूव कर सकते हो. आपके सामने मैंने लाइव रिजल्ट दिखाया है और आपको अभी चूज करना है, डिसाइड करना है आपको कि इसमें से कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करना चाहते हो. एंड गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना मत भूलिए. अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना अभी तक नहीं किया है तो. उसके साथ बेल आइकॉन को भी हिट करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है. दैट्स ऑल गाइस. ये था आज का वीडियो. बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.